हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पोको X3 में सेटिंग रीसेट कैसे करें। दोस्तों, ये बहुत इजी है, अपनी सेटिंग को रीसेट करना है आपको। आप एक मिनट के अंदर सीख जाओगे कैसे आपको रीसेट करना है अपनी सेटिंग। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन कर लेना है और वहीं से आप करोगे रीसेट। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर पे ही दिख रहा होगा अबाउट फ़ोन, तो आपको अबाउट फ़ोन पे क्लिक कर देना है और वहीं से आपकी होगी सेटिंग रीसेट। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा फैक्ट्री रीसेट का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ऑल द आइटम लिस्टेड अबोव विल बी इरेज परमानेंटली, बैकअप ऑल इम्पोर्टेंट आइटम टू योर कंप्यूटर और शायोमी क्लाउड बिफोर यू कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि एक बार आप सेटिंग को रीसेट करोगे तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा, तो आपको अपना बैकअप ले लेना है अपने कंप्यूटर में या शायोमी के क्लाउड में। तो एक बार आप बैकअप ले लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करके अपनी सेटिंग को रीसेट कर देना है। उस पर बाद आपका मोबाइल बिल्कुल न्यू हो जाएगा और आपकी जो भी सारी सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कैसे आपको अपनी सेटिंग को रीसेट करना है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।